हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने जा रहे हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स। इसके आगे जो सारी थ्योरीज थी वो हमने कर ली। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ पीछे वीडियोस पे जाके देखिए। तो सबसे पहले पर्सनालिटी ट्रेट्स, इसका मीनिंग जानते कि ये होता क्या है। हमें ट्रेट्स से पता चल रहा है, ट्रेट मीन्स क्वालिटी जो किसी भी पर्सन में होती है। तो उस क्वालिटी की वजह से हम किसी पर्सन की पर्सनैलिटी को जज कर सकते हैं। मीन्स इन क्वालिटीज़ की हेल्प से हम एक पर्सन की पर्सनैलिटी को डिटरमाइन कर सकते कि हाँ वो कैसा होगा। जैसे कि एक पर्सन उसे स्टडी करना काफ़ी अच्छा लगता है, तो हम ये जज कर सकते हैं कि हाँ उसकी स्टडी में काफ़ी अच्छे मार्क्स आते होंगे क्योंकि उसको इतना इंटरेस्ट है, वह सारा दिन पढ़ते ही रहता है। तो इसी हिसाब से हम डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी से किसी की पर्सनैलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। अब जैसे इस डायग्राम में है कि जो भी पर्सन में ट्रेट्स होते हैं उसके, उसी से हम उसका ह्यूमन बिहेवियर जान सकते हैं कि उसका बिहेवियर कैसा होगा। और वो कैसे, जैसे कि मान लो कोई भी पर्सन को ज़्यादा इमोशनल है, तो हम उसका बिहेवियर जान सकते हैं कि हाँ वो थोड़ी थोड़ी बातों पे रोने लग जाएगा या इस बात पे वो सैड होगा। तो इसी हिसाब से हम उसका ह्यूमन बिहेवियर जान सकते हैं। अब जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स है, ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, फाइबिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स एंड अदर ट्रेट्स। तो चलो शुरू करते हैं पहले फाइबिक पर्सनैलिटी ट्रेट्स। अब हम रीड करेंगे पांच वो पर्सनालिटी ट्रेट्स जिसकी वजह से हमारी पर्सनालिटी पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो देखते हैं वो है कौन कौन। इमोशनल स्टेबिलिटी, एग्रीएबलनेस, एक्सट्रोवर्शन, कॉन्शियसनेस एंड ओपननेस। अब इमोशनल स्टेबिलिटी मीन्स जैसे कि कोई भी मान लो जैसे कोई डिफिकल्ट सिचुएशन है, तो वो पर्सन कैसे बिहेव करता है, मतलब वो काम रह के सिचुएशन को हैंडल करता है या पूरी तरह से टेंशन में आ जाता है, या उसे थोड़ी थोड़ी बातों का गुस्सा आ जाता है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं या थोड़ी थोड़ी बातों पे रोने लग जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें इमोशनल स्टेबिलिटी डिटरमाइन करने में हेल्प करती हैं। अगर तो उस पर्सन की लो इमोशनल स्टेबिलिटी है, तो वो काफ़ी अपने आप को थोड़ी थोड़ी बातों पर इनसिक्योर फील करता है, डिप्रेस्ड रहता है, टेंशन में रहता है, उसे मूड स्विंग्स आती रहते हैं, नर्वस रहता है। मगर अगर उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी हाई है, तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेगा, काम रहेगा, रिलैक्स रहेगा। मीन्स उसे किसी भी सिचुएशन का कुछ नहीं होगा कि हाँ मैं आराम से कर लूँगा, कोई खास बात नहीं है। वो हमेशा इस वे से बिहेव करेगा, तो वो हमेशा कॉन्फिडेंट रहेगा, काम रहेगा, रिलैक्स रहेगा एंड स्टेबल रहेगा। अब नेक्स्ट है एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस मीन्स कि एक पर्सन दूसरों के साथ किस तरह का रिलेशन मेंटेन करके रखता है, मतलब वो दूसरों के साथ कितना मिलता जुलता है, उनसे बातें करता है या नहीं, मीन्स उनसे किस तरह के रिलेशन को वो डिटरमाइन करके रखता है। अगर तो उसकी वो हाई एग्रीएबलनेस है, तो वो काफ़ी कोऑपरेटिव नेचर का होगा, उसे दूसरों से बातें करना अच्छा लगता होगा, अच्छा रिलेशन बनाता होगा, ट्रस्टवर्थी होगा। मीन्स ऐसे जैसे हम फ्रेंड्स होते हैं, तो वैसे हम कहते थे कि हाँ मैं उसके साथ अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ, तो इस तरह से रिलेशन वो मेंटेन कर लेते हैं। अब अगर उसकी एग्रीएबलनेस लो है, तो वो काफ़ी मतलब शो टेम्पर नेचर का होगा, क्योंकि वो ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं, रूड होगा। इस तरह से वो होता है हाई और लो। मीन्स कि उसको दूसरों के साथ रिलेशन अच्छा बनाना नहीं लगता होगा, मगर जो हाई पे होते हैं उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है, जिनमें हाई एग्रीबलनेस होती है। नेक्स्ट है एक्सट्रोवर्शन। एक्सट्रोवर्शन बिल्कुल सेम है अगर देखा जाए तो, क्योंकि इसमें भी वही है कि कोई पर्सन किसी के साथ रिलेशन बनाने में अपने आप को कितना कंफर्टेबल फील करता है, कि वो दूसरे के साथ अच्छा रिलेशन बना पाता है कि नहीं। इस पे दो कैटेगरीज आ जाती हैं, एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट। लाइक जो एक्सट्रोवर्ट पर्सन्स होते हैं, उन्हें दूसरों के साथ रिलेशन बनाना काफ़ी अच्छा लगता है, दूसरों के साथ बातें करना, उनके साथ हंसी मजाक करना, ये सारा कुछ मतलब ये शाई कभी नहीं फील करते। पर एज़ कम्पेयर टू इंट्रोवर्ट, ये काफ़ी शाई नेचर के होते हैं, दूसरों के साथ ज़्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं होता, अपने आप में अकेले रहना ज़्यादा पसंद होता है। अब अगर इनमें डिफरेंस देखा जाए कि डिफरेंस असल में है क्या, तो एक्सट्रोवर्शन में वो पर्सन आते हैं जिनकी नेचर ही ऐसे है, जो बिहेव हर सिचुएशन में ऐसा करेंगे, ओनली ऑफिस में नहीं ज़रूरी। पर इसमें है कि वो काम के टाइम पे दूसरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, चाहे अपनी नॉर्मल लाइफ में ऐसे हों या ना हों, तो ये इनका मेन डिफरेंस है। ये तो वैसे होते ही होते हैं ऐसे, पर ये वर्क के टाइम पे जब दूसरों के साथ काम करना हो, मीन्स टीम वर्क में, ये कैसे रहते हैं। अब नेक्स्ट है कॉन्शियसनेस। इसका मीन्स वोबले पर्सन
इसमें हमें ये पता चलता है कि एक पर्सन ज्यादा से ज्यादा कितने गोल्स पे फोकस कर रहा है, कि वो एक टाइम पे कितना काम कर रहा है। मतलब कई लोग तो होते हैं, जैसे दो टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, एक तो होते हैं कि हाँ मेरे को बस आज के दिन ये काम करना है और आराम से कर लूंगा, और उनका काफी अच्छा रिजल्ट भी आता है। और कई लोग होते हैं कि मैंने ये भी करना है ये भी करना है, सभी का थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं और रिजल्ट में कुछ भी नहीं मिलता। तो वो इस टाइप में आते हैं कि जो हाई के होते हैं वो काफी रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइज होते हैं, मीन्स उन्हें पता होता है कि वो कुछ गोल्स की तरफ ही ध्यान रखते हैं कि हाँ मेरे को ये करना है, और उसको पूरे अच्छे से अपना पूरा 100% दे के करते हैं। और दूसरी तरफ जो दूसरे लोग होते हैं जिनमें लो कॉन्शियसनेस होती है, वो एक ही टाइम पे काफी ज्यादा काम इकट्ठा कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाते ढंग से। तो वो काफी इरिस्पॉन्सिबल केयरलेस नेचर के माने जाते हैं, एंड इम्पल्सिव नेचर स्पेशली। अब नेक्स्ट आ गया ओपननेस। ओपननेस मीन्स कि एक पर्सन अपने माइंड को कितना ओपन रखता है न्यू आइडियाज गेन करने के लिए। जो तो अपना माइंड पूरा ओपन रखता है वो काफी क्रिएटिव होता है, नए नए आइडियाज उसे सूझते हैं, और उन्हें नए नए आइडियाज को वो करने की, कुछ ना कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश करता रहता है। तो वो काफी इमेजिनेटिव इंटेलेक्चुअल सेंसिटिव नेचर का होता है। और दूसरी तरफ जो अपना दिमाग बंद ही कर देते कि मेरे को तो बस ये काम करना है, बस यही करना है, मेरे को नया कुछ नहीं करना है ना कुछ सुनना है, तो वो काफी अनइमेजिनेटिव एंड डल होते हैं। अब जैसे ये सारा टेबल बना हुआ है, ये सारा बिल्कुल सेम है जैसा मैंने आपको बताया है, डिस्क्रिप्शन के साथ साथ एग्जांपल्स भी हैं, आप एक बार ये रीड कर लीजिए। आई होप आपको ये सारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।